हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना सन 2009 में की गई थी और इस कंपनी को आप सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या सुड लाइफ के नाम से भी जानते हैं। सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इस समय श्रीमान अभय तिवारी जी। यह ऑर्गेनाइजेशन एक जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक पार्टनरशिप कंपनी है ये। और यह बात जब हम इस कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के पॉलिसी ब्रोशर को देखते हैं उसमें पता लग जाती है। पहले पार्टनर का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे पार्टनर का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीसरे पार्टनर का नाम है डाइची लाइफ होल्डिंग INC। ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने फील्ड में पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से लगातार वर्क कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। बात करें डाइची लाइफ की, तो ये जापान की नंबर 2 स्पॉट को होल्ड करने वाली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। और ग्लोबल रैंकिंग की बात करें इस कंपनी की, तो टॉप 10 ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी में ये आती है। बाकी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता है कि इनकी काफी शाखाएं हमें देखने के लिए मिलती है। सेम चीज अप्लाई हो जाती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। तो इन दोनों का नेटवर्क और डाइची लाइफ का जो एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस सेक्टर का, इसका हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। यानी कि कस्टमर बेस प्लस नेटवर्क प्लस प्रोडक्ट, राइट। बात आती है स्टेक होल्डरशिप की, तो इसकी जानकारी के लिए हमने यूनियन बैंक की वेबसाइट को भी चेक कर लिया, तो हमें पता चला कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास में 25.10% स्टेक होल्डरशिप है, बैंक ऑफ इंडिया के पास में 28.96% का स्टेक होल्डरशिप है और डाइची लाइफ होल्डिंग INC के पास में 45.94% की स्टेक होल्डरशिप इस समय इनके पास है। एज पर द इन्फॉर्मेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करें प्लान की, तो जो भी कॉम्पिटेटर हैं इनके मार्केट में, उनसे कंप्लीट करने के लिए सभी तरीके की कैटेगरी को ये हिट करते हैं। जैसे कि टर्म प्लान में आप देखते हैं कि नॉर्मल टर्म प्लान होता है और कॉम्प्रहेंसिव टर्म प्लान होता है। नॉर्मल एंडोमेंट प्लान होता है जिसमें कंपनी के बोनस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है जब कंपनी बोनस अनाउंस करती है। उसके साथ में गारंटेड मनी बैक प्लान होता है, गारंटेड रिटर्न का प्लान होता है जिसमें मैच्योरिटी बेनिफिट लमसम मिलता है, पेंशन प्लान होते हैं, यूलिप प्लान होते हैं। कुल मिलाकर हर एक एज कैटेगरी को टाइप करते हुए, यानी कि टारगेट करते हुए, सभी तरीके के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको इनके पास मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी रीच के बारे में, तो एक चीज तो हमें क्लियर हो चुकी है कि बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोनों इसमें पार्टनर हैं, तो उसका लाइफ टाइम जो नेटवर्क है उसका फायदा सुड लाइफ को मिलना ही है। उसी की वजह से दोनों बैंकों को मिलाकर जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उसको जोड़कर इन दोनों बैंकों ने सुड लाइफ के लिए 1950 ब्रांचेस का एक्सेस दिया है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट। और सुड लाइफ की 118 से ज्यादा ब्रांचेस हो सकती है। अभी एट प्रेजेंट 118 ही हमें शो कर रहा था। और इस कंपनी के 4000 से ज्यादा एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि ब्रांचेस हैं तो हमें कैसे पता लगेगा। उसके लिए अगर हम कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें ब्रांच लोकेटर मिल जाता है, जहां पे हम अपना स्टेट चुनेंगे, सिटी चुनेंगे और सबमिट कर देंगे, तो हमें नियर बाय ब्रांच के बारे में पता लग जाएगा। बाकी हम इनसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, इनको कॉल भी कर सकते हैं। मैंने टोल फ्री नंबर पे कॉल नहीं किया है, आप लोग कॉल करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनी जल्दी कनेक्ट होता है या कितना टाइम लगता है। इसी के साथ कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया पे भी ये अवेलेबल है, जैसे कि लिंक्डइन एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है और ट्विटर पे भी ये अवेलेबल है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ट्विटर पे ये एक्टिव है, लगातार लोगों के क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे इन्होंने दिए हैं, जैसा कि मैंने चेक किया उसके अनुसार मैं ये चीज कह रहा हूँ। इसी के साथ आप गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल प्ले स्टोर पे एप्पल स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप सुड लाइफ इंश्योरेंस टाइप करते हैं तो आपको इनकी दो एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। एक नॉर्मली कस्टमर के लिए होती है और दूसरी होती है प्रोफेशनल्स के लिए, राइट। रेटिंग ठीक ठाक दिख रही है, कोई ऐसा मुझे नेगेटिव वहाँ पे रिव्यू नहीं दिखाता, तो इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। वेरी क्विक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। बात करते हैं टोटल प्रीमियम की, यानी कि ग्रॉस प्रीमियम की। तो सन 2016-17 में 1511 रुपए का ग्रॉस प्रीमियम हुआ, 2017-18 में 1783 रुपए का हो गया, यानी कि 1783 करोड़, ठीक है, करोड़ में ये वैल्यू, ये चीज ध्यान रखिएगा। 2018-19 के अंदर जो टोटल प्रीमियम अर्न किया कंपनी ने वो 1994 करोड़ का, और 2019-20 में 2314 करोड़ का टोटल ग्रॉस प्रीमियम अर्न किया। 2020-21 में 2999 करोड़ का प्रीमियम अर्न किया, और 2021-22 में 4136.80 करोड़ का उन्होंने प्रीमियम अर्न किया। जिस PDF से इन्फॉर्मेशन ली है वो दोनों मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अब बात आती है असेट्स अंडर द मैनेजमेंट की और सॉल्वेंसी रेशो की। तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में 6526 करोड़ का असेट्स अंडर द मैनेजमेंट रहा और कंपनी का सॉल्वेंसी रेशो 2.78% रहा। 2017-18 में
7290 करोड़ का असेट्स अंडर द मैनेजमेंट रहा, सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो जो था वो सेम रहा 2.78 का। अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में असेट्स अंडर द मैनेजमेंट 8489 करोड़ का रहा और सॉल्वेंसी रेशियो 2.53% का रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में असेट्स अंडर द मैनेजमेंट 9419 करोड़ रहा और सॉल्वेंसी रेशियो 2.40% का रहा। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में असेट्स अंडर द मैनेजमेंट 12093 करोड़ का रहा और सॉल्वेंसी रेशियो 2.06% का रहा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15052 करोड़ का असेट्स अंडर द मैनेजमेंट रहा और सॉल्वेंसी रेशियो 2% का रहा। अब वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा और हाई रेजोल्यूशन पे देखिएगा, तभी आपको ये नंबर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। वित्तीय वर्ष 2016-15 में ग्रुप डेट का जो क्लेम रेशो रहा वो 96% रहा और इंडिविजुअल डेट का जो क्लेम रेशो रहा जिसे हम रिटेल का क्लेम रेशो कहते हैं वो 84% का रहा। क्लेम को सेटल करने के लिए ऑन एन एवरेज कंपनी ने 40 दिन का टाइम लिया, जैसा कि कंपनी यहाँ पे बता रही है, ग्राफ पे आप देख रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जो ग्रुप डेथ का इंश्योरेंस क्लेम रहा जिसमें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी का भी क्लेम इन्वॉल्व है ग्रुप में, वो 91% का रहा और रिटेल यानी कि इंडिविजुअल में 92% का क्लेम रेशो रहा, डेथ क्लेम रेशो, ठीक है। और ऑन एन एवरेज कंपनी ने 23 दिन का टाइम लिया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में जो ग्रुप डेथ क्लेम रेशो रहा वो 95% का रहा और जो ओवरऑल इंडिविजुअल डेथ का क्लेम रेशो रहा वो 97% का रहा। कंपनी का कहना है कि 2018-19 में 14 दिन का समय लिया उन्होंने क्लेम सेटलमेंट के लिए। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में जो ग्रुप डेथ क्लेम रेशो रहा वो 93% रहा और जो इंडिविजुअल के लिए जो डेथ क्लेम रेशो रहा वो अगेन फिर 97 यानी कि 97% का रहा। कंपनी का कहना है कि 2019-20 में ऑन एन एवरेज 23 दिन का क्लेम सेटलमेंट टर्न अराउंड टाइम इन्होंने यहाँ पे लिया। वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 में 90% का रहा डेथ क्लेम रेशो ग्रुप इंश्योरेंस कैटेगरी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में 96% का रहा डेथ क्लेम रेशो और जो क्लेम सेटलमेंट टर्न अराउंड टाइम इन्होंने लिया वो रहा 33% का, ठीक है जी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो ग्रुप डेथ कैटेगरी में क्लेम रेशो रहा वो 98.23% रहा और इंडिविजुअल कैटेगरी में जो डेथ क्लेम रेशो रहा वो 97.42% रहा यानी कि 97.42% का। अब इसी के साथ में कंपनी को अलग अलग कैटेगरीज में 10 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। हम अवार्ड की यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने अब तक देखा है कि बहुत सारी कंपनीज को पास में भी अवार्ड्स मिल चुके हैं और आजकल उनके साथ क्या इशू चल रहे हैं हम सब जानते हैं, राइट। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। अब जितनी भी फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी मैंने रेशो वगैरह बताया है आपको, अगर आप वो क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन की। पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए हम माउथ शट पे चले गए, mouthshut.com पे। वहाँ पे हमने स्टार यूनियन डाइच यानी कि सुट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो रेटिंग देखा वो 1.2 स्टार का देखा, लेकिन जो रिव्यू है वो मात्र हमें 10 देखने के लिए मिले। अब देखिए 2009 से कोई कंपनी चल रही है, उसके केवल 10 रिव्यू आपको देखने के लिए मिल रहे हैं mouthshut.com पे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हम इसके बाद में कंज्यूमर कंप्लेंट्स देखने के लिए चले गए consumercomplaints.in पे, तो वहाँ पे हमें 1 स्टार का रेटिंग देखने के लिए मिला। ऑब्वियस सी बात है कंप्लेंट यहाँ पे लोग कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, नाम से आपको पता लग रहा है, तो ऐसी जगह भी यहाँ पे 1 स्टार की रेटिंग हमें देखने के लिए मिली। और लास्ट अपडेट जो यहाँ पे हुआ वो 17 मार्च 2023 पे हुआ। टोटल 39 कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई यानी कि लोगों ने रखी, उसमें से 6 रिजोल्व हो गई, 33 अनरिजोल्व है एज पर द इन्फॉर्मेशन ऑफ consumercomplaints.in। लेकिन consumercomplaints.in यहाँ पे कहता है कि कंपनी उनको रिस्पॉन्ड कर रही है, वो कम्युनिकेशन में है, ये एक अच्छी चीज है, यानी कंपनी इनको रिस्पॉन्स कर रही है, राइट। ये तो होगी पब्लिक की बात। अब बात आती है प्रोफेशनल एम्प्लॉयज की बात, जो अपनी ओपिनियन को glassdoor.in, glassdoor.co.in पे, ambitions.com पे, in.indeed.com पे, justdial और jobbuzz.timesjob.com पे रखते हैं, तो वहां पे आपको इनका कंबाइंड टोटल रिव्यू काउंट देखेंगे तो 1047 है और जो ओवरऑल रेटिंग आपको मिल जाएगी वो बिलो 4 स्टार ही यहाँ पे देखने के लिए मिली। ये इंश्योरेंस प्रोफेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। आप चेक कर सकते हैं, आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। आज की वीडियो का क्रेडिट हम देना चाहेंगे श्रीमान अश्वनी कुमार भद्र जी को। इनके फीडबैक के अनुसार हमने इस वीडियो को दोबारा से यहाँ पे अपलोड किया है, दोबारा से क्रिएट करके, ठीक है जी। श्रीमान भद्र जी, आपके इस फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप में से अगर कोई भी अपनी ओपिनियन या फीडबैक शेयर करना चाहता है कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल कर सकता है। हम लोग हमेशा आपके कमेंट और आपके रिव्यूज, आपके फीडबैक के अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं।
आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं, और पॉलिसी लेने से पहले हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।